हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कोमल एंड वेलकम टू शाइन लुक विद कोमल। सो दिवाली आने वाली है तो बहुत से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रही थी कि दी प्लीज़ आप अफोर्डेबल मेकअप शेयर करो, दिवाली पर लाइट मेकअप शेयर करो। तो इस लुक को आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। दिवाली का यह मेकअप लुक दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉइस्चराइजर से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स के मॉइस्चराइजर सुपर लाइट जेल, जो कि मेरी फेवरेट है। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। बस आपको इसको अपने फेस पे लगाना है और ये ऑटोमेटिकली अपनी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, जो कि मेरा फेवरेट प्राइमर है। ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट प्राइमर है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ब्लू हेवन प्राइमर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस, अमेज़ोन पे बहुत ही अमेजिंग सेल चल रही है, जो कि ईयर की सबसे बड़ी सेल है। तो जल्दी से जाइए और अमेजिंग प्रोडक्ट परचेज़ कीजिए, बहुत ही बड़ी सेल है। तो गाइस जल्दी से बताइए कि आपने क्या क्या परचेज किया है या करने वाले हो। तो आपको जो भी मैं प्रोडक्ट यहाँ यूज़ कर रही हूँ उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जल्दी से जाइए और चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन, जिसका सेड है 128 वार्म न्यूड। ये पर्सनली मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगता है। मतलब कि विंटर सीज़न में हो या समर सीज़न में, ये हर सीज़न में आपको सूट करेगा। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप फाउंडेशन लेना तो अपनी स्किन से 1 या 2 सेट डार्क कलर ले, ताकि आपका जो मेकअप है ना बहुत ही अच्छा लगे। मतलब उभर के दिखेगा ना, ज़्यादा लाइट होगा, वो होता है ना वाइट चेहरा, वो नहीं दिखेगा इससे। मतलब कि नेचुरल लुक दिखेगा आपका। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप फाउंडेशन लेना तो 1 सेट या 2 सेट डार्क ही लेना चाहिए। गाइस आप फाउंडेशन को जितना ब्लेंड करोगे ब्लेंड तो मेकअप उतना ही ज़्यादा नेचुरल और निखर के दिखेगा। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लूज पाउडर। ब्लू हेवन के लूज पाउडर से मैंने मेकअप को सेट कर लिया। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है, मेरी थ्रेडिंग बढ़ी हुई है। बट मैं इस तरीके से अपने आईब्रो को फील करती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरी आईब्रोज बनी हुई नहीं है। एंड फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से फील करें कि लगे कि हाँ नेचुरल आईब्रोज है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियोस बनाऊंगी। हाँ, कई फ्रेंड्स का क्वेश्चन होता है कि दी आप वीडियोस क्यों नहीं बनाती, आप इतने अच्छा मेकअप करते हो, आप वीडियोस क्यों नहीं डालती। तो जिनको पता है वो ठीक है, लेकिन जिनको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, मेरा न्यू इन लॉज हाउस है तो टाइम लगता है सेटल होने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं वीडियोस बनाती रहूँ, सब कुछ मुझे सेटल करना होता है, काम भी देखना होता है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मैं करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। एंड कभी यहाँ पे कभी पीहर, तो थोड़ा टाइम लगता है सब कुछ सेटल होने में। तो मेरी वीडियोस आती तो लेट है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो बहुत ही अच्छी डालूँ, सब कुछ आपको पूरी नॉलेज दूँ। क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं ओनली मेकअप लवर हूँ, जो कि खुद से मैंने मेकअप सीखा है कैसे मुझे करना है कैसे नहीं करना। छोटे छोटे हैक्स से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मेकअप कर सकते हो आप घर पर ही। एंड नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है माई ग्लैम की लिपस्टिक, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। और ये मुझे माई ग्लैम से कैसे मिली, ये मुझे बिल्कुल फ्री मिली है गाइस। यस, रियल में ये मुझे फ्री मिली है। बहुत ही प्यारा कलर है इसका, और इसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी कि आप भी घर बैठे कैसे माई ग्लैम से फ्री लिपस्टिक मंगा सकते हो। तो यहाँ मैंने एक नहीं, यहाँ मैंने 3-4 लिपस्टिक मंगाई है, वो भी बिल्कुल फ्री। और यहाँ पे मैं 1 by 1 आईज पे मेकअप करूँगी, क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है ना तो सीधी सूख जाती है। तो पहले मैं 1 आईज पे लगा के इसको अच्छे से स्मच करूँगी, फिर नेक्स्ट मैं दूसरी आईज पे इसको पिक करूँगी।
तो गाइज आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश ले लिए और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से स्मच कर लिया है। और यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है स्टार मेकर्स की, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिली है। इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको क्रीज़ के ओवर नहीं करना, क्रीज़ ओवर नहीं करनी, जो हमारी नेचुरल क्रीज है वहीं तक आपको आई शेडो लगाना है। नेचुरल जो मेरी क्रीज थी वहाँ तक मैंने लिपस्टिक लगा के उसको स्मच कर लिया। देन HR का यहाँ पे आई शेडो यूज़ कर रही हूँ और सेम वही कलर लिया है मैंने, ब्राउन कलर लिया है, और इससे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश से। लोअर लेसेस पर भी मैंने ब्राउन कलर ही यूज़ किया है जिससे आँखें स्मोकी टाइप में लगेगी। मैंने ब्राउन कलर लेके इसको अच्छे से स्मच किया है। एंड सो गाइज आप मुझे बताओ कि आपने इस दिवाली क्या शॉपिंग की है और क्या क्या आपने सेल में मंगाया है। इस टाइम बहुत ही अच्छी सेल चल रही है हर एक ऐप पर, अप 2% 70% 80% सेल चल रही है। एंड होने वाला है 23 अक्टूबर, सो जल्दी से जाइए और परचेज़ कीजिए एंड कमेंट्स करके बताइए कि आपने क्या क्या परचेज़ किया। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर, जो कि बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। हाँ, वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि मैं मेकअप करके दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का आईलाइनर लिया है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियोस इस वजह से लेट होती है कि वो फर्स्ट इशू है वो है वॉइस ओवर का। वॉइस ओवर की वजह से मैं हमेशा लेट हो जाती हूं, तो अब मैं सोच रही हूं जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो अपनी विद वॉइस रखूं। एंड गाइस मैंने पूरे मेकअप में यहाँ पे HR का ये जो आई शेडो पैलेट है यही यूज़ किया है। और इसी पैलेट से मैंने इनर कॉर्नर पे यहाँ पे हाईलाइट किया है। एंड आईब्रोज़ के नीचे जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, अगर आप वहाँ सेम हाईलाइट करोगे तो आपकी आईब्रोज़ उभर के दिखेगी, जो कि लाइट मेकअप में बहुत ही प्यारी लगती है। एंड यहाँ पे मैंने सेम उसी पैलेट से यहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया है, आप देख सकते हो सेम उसी कलर से जो कि जिससे मैंने आई शेडो पिक किया था। सेम उसी कलर से मैंने नोज कंटूर किया है और बहुत ही प्यारा पैलेट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, अप्रोक्स 150 की इसकी रेट है। पूरा मेकअप मैंने HR का ये जो पैलेट है इसी से किया है, बहुत ही प्यारा पैलेट है
और हाईलाइट मैंने चिक पे किया है, इसी ब्रश से किया है। आप जब भी हाईलाइट करें या आई शेडो यूज़ करें तो मतलब कि ज़्यादा उठा के नहीं ले। अगर आपके पास फिर भी ब्रश में ज़्यादा है तो आप उसे डस्ट आउट करके ले, क्योंकि इससे क्या है ये जो मेकअप दिखेगा वो बिल्कुल ही नेचुरल दिखेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो डार्क डार्क आइज़ होती है वो बहुत ही गंदी लगती है। तो आप जब भी आई शेडो यूज़ करें तो डस्ट आउट करके ही करें। और यहाँ मैं ये जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो है हुडा ब्यूटी की। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि इस पर कोई सेड मेंशन नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि इसका सेड कौन सा है, बट ये दिखने में बहुत ही प्यारी है। ना तो ये रेड है और ना ही ऑरेंज है, मतलब कि सिमिलरली ये ऑरेंज भी है एंड रेड भी है। And you can see, and here I come to my final look. Hope you video पसंद आया होगा। सवाल के इस मेकअप को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मैंने लुक क्रिएट किया है, आप ज़रूर ट्राई करिए। सारे प्रोडक्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप जल्दी से जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, एडवांस हैप्पी दिवाली।